देश की राजधानी दिल्ली के करोल बाग में एक मकान ढहने से बड़ा हादसा हुआ है। इस इलाके में इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया है, इसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस हादसे के डराने वाले वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इलाका काफी सघन है और हर मकान एक दूसरे से सटा हुआ है, जिस कारण आसपास के घरों में भी कुछ नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसा होने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके बाद से लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त सहायता के लिए 5 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक दिल्ली फायर ब्रिगेड को आज सुबह 9:11 पर इमारत ढहने के संबंध में कॉल आई थी। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ है जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश का दौर जारी है। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें 8 लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन कई और के मलबे में दबे होने की सूचना है, जिन्हें रेस्क्यू टीम बाहर निकालने के लिए लगातार काम कर रही है। रेस्क्यू का ये दर्दनाक मंजर भी वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है, जब एक शख्स मलबे में लगभग आधा फंसा हुआ है, वहीं उसके बगल में एक दूसरे शख्स को निकालने के लिए टीम पूरी जी जान लगा देती है। हालांकि इस मामले में पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि संकरी गलियां होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी आ रही है। करीब 9 के आसपास प्रसाद नगर थाने में इन्फॉर्मेशन मिला रिलेटेड टू अ बिल्डिंग कोलैप्स, और ये बापा नगर एरिया है जो पीएस प्रसाद नगर के एरिया में पड़ता है, वहां से ये इन्फॉर्मेशन मिला था। और इसमें करीब यहाँ पे एक 20 स्क्वायर यार्ड्स के आसपास का एक बिल्डिंग था, 20 स्क्वायर यार्ड्स एरिया में बना हुआ एक बिल्डिंग था जो कि कोलैप्स कर गया है। ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि काफी पुराना था, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स हम सर्टन कर रहे हैं। अभी तक जो है करीब 8 लोगों को, टोटल 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी भी कुछ लोग और ट्रैप होने का आशंका जताया जा रहा है, जिसके लिए लोकल पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलकर इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम्स भी आ चुके हैं, लोकल पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम्स है, और बाकी आप जैसे कि देख रहे हैं लोकेशन इसका ऐसा है कि बहुत ही एक क्राउडेड और नैरो लेन्स है, जिसमें कि व्हीकल या हैवी इक्विपमेंट आ भी नहीं सकता है, तो इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है। बट इसको जितना भी बेस्ट कर सकते हैं सारी एजेंसी इसमें लगी हुई है, एंड वी आर कैरिंग आउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस। अभी तक 8 रेस्क्यू हुए हैं और उन्होंने हॉस्पिटल गए हैं वो सारे, और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक किसी के भी डेथ की कंफर्मेशन नहीं है। बिल्डिंग ओनर कौन है और किसके खिलाफ कोई मुकदमा? अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो लीगल एक्शन होगा उसको लिया जाएगा। कितने लोग ट्रैप हो सकते हैं इसमें? देखिए इसका एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे कुछ टेनेंट रहते थे जो दिल्ली के बाहर के थे, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्संस एसर्टन कर रहे हैं, सम आर सेइंग 10, सम आर सेइंग 12, तो वी आर एसर्टनिंग द एग्जैक्ट नंबर। अभी 8 तो हमने ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया है और इसको फर्दर बिल्डिंग बैड थी या बैड थी सर? ये तो आई थिंक पूरा एरिया ही अनादराइज कर लिया है। थैंक यू सर। बता दें कि पिछले महीने इसी तरह की एक घटना में दिल्ली के मॉडल टाउन में भारी बारिश के दौरान पुनर्निर्माण के लिए ध्वस्त की जा रही एक दर्जन इमारत के ढहने से 3 लोग घायल हो गए थे। इस इलाके में भी कई पुराने मकान और बिल्डिंग गिरने की वारदातें हो चुकी हैं। वहीं अगर हाल फिलहाल की बात करें तो दिल्ली से सटे मेरठ में भी शनिवार को ऐसा ही हादसा हुआ, जिसमें 3 मंजिला मकान भरभरा कर नीचे गिर गया और एक ही परिवार के 10 लोग मौत की आगोश में समा गए। मेरठ के इस हादसे में मरने वाले लोग एक ही परिवार के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मकान करीब 50 साल पुराना था। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय घर में करीब 15 लोग मौजूद थे। मकान के गिरने से 5 लोग घायल भी हुए हैं।